तो दोस्तों ये दरवाज़ा लगाया हमने एक पोर्शन का चेकिंग के लिए, तो दरवाजे का ये लुक आया है। इसके ऊपर जाली लग जाएगी, ये जाली लग जाएगी। ये हमारे पास कुछ दरवाजे रखे हुए थे खिड़कियों के ना पुरानी, जो नीचे काम हुआ है उसमें से। दोस्तों हमारे जो पोर्शन का फ्रेम था वो खड़ा हो गया, ये चार पोर्शन बने। इसमें थोड़ा टेक्निकली फॉल्ट आ गया था, यहाँ पे ना लकड़ियाँ थोड़ी सी ऊँची नीची हो गई थी, तो उसको काट के दोबारा से खोल के ठीक करना पड़ा। तो राजू भाई हमारे लगे हुए हैं। राजू भाई मुस्कुरा दें ज़रा, आपकी मेहनत रंग ले आई है। कल मैं बना नहीं सका वीडियो इस वजह से कि बहुत ज़्यादा बिजी थे, हाथ फ्री नहीं थे हमारे। ये इस तरह फ्रेम आएगा और ये 8 पोर्शन बन गए। सही, वो तो दब जाएगी वहां से। दोस्तों बड़ी मेहनत हुई है, लग रहा है इसमें भी बहुत छोटा सा काम है, लेकिन इसमें 3 दिन से मुसलसल लगे हुए हैं और लकड़ियों की कटिंग इसमें इतनी ज़्यादा थी ना, इतनी ज़्यादा इसमें फ्रेमिंग थी कि बहुत टाइम लग गया। ये लकड़ियाँ कट रही हैं, बस खाते हमें फिलहाल की सफाई जाएंगे, फिर पीले हो गई है। तो हम इतना पक्का काम कर रहे हैं कि रेजोल्यूशन आपको दिखाऊँगा। ये फ्रेम खड़ा हो गया लकड़ियों का, 1 2 3 4 5 6 7 8 पोर्शन तो ये बन गए। ये कॉलोनी बनी है, ये 8 पोर्शन बने। अभी राजू भाई लगे हुए फ्रेमिंग करने में, तो फ्रेमिंग बस आखिरी मराइल का है। फिर इसकी छत लगाएंगे, इसकी ज़मीन लगाएंगे, फिर इसकी जाली सबसे एंड में लगाएंगे। दोस्तों हमारा फ्रेम आखिरी मराइल पे है, उसके बाद दरवाजे और जाली लगना बाकी है, छत भी लगना बाकी है। छत हम इसकी लगा रहे हैं बहुत अच्छी सी टीन की, तो इसका लुक बहुत अच्छा आने वाला है बनने के बाद। एक बेहतरीन सा लुक आएगा पूरे सब का पोर्शन का, और ये सब फट जाएगा। चूहा अभी भी तंग कर रहा है, ये जाली काट कर आया। ये पूरी जालियां मैं चेंज करूंगा, ये जाली, ये जाली, ये जाली, सारी जाली, और इस पूरे फ्रेम की जाली चेंज होगी। ये जो पूरा फ्रेम है ना, ये वाला फ्रेम, इसकी पूरी जाली चेंज होगी, फिर सुकून मिलेगा हमें चूहों से। तो दोस्तों ये दरवाज़ा लगाया हमने एक पोर्शन का चेकिंग के लिए, तो दरवाजे का ये लुक आया है। इसके ऊपर जाली लग जाएगी, ये जाली लग जाएगी। ये हमारे पास कुछ दरवाजे रखे हुए थे खिड़कियों के ना पुरानी, जो नीचे काम हुआ है उसमें से निकले थे, तो ये दरवाज़ा लग जाएगा। तो ये पोर्शन बन गया हमारा पूरा इस तरह से। ये सिर्फ तैयार करके ना, दिखाने के लिए ना ये मैंने पोर्शन बनाया है कि एक इसका ओवरऑल ये लुक आ रहा है। इसके ऊपर जाली लगेगी, छत आ जाएगी इसकी, और साइडों पे इसकी टीन आ जाएगी, तो नीचे मुर्गियों के पोर्शन हो जाएंगे, ऊपर तोतों के पोर्शन हो जाएंगे। ये तैयार हो गया हमारा एक पोर्शन। आज मैंने मुर्गियों को देखा भी नहीं है, इसी में लगा रहा सारा दिन, 2 दिन से एसी भी लगाऊं, बगैर कारपेंटर के खुद हमारे राजू भाई ने बनाया ये। दोस्तों पिंजरे से हम फ्री हुए थोड़ा सा, तो बकरी को मैं लेकर आया हूँ बाहर पानी पिलाने के लिए। जैसे ही मैंने नल खोला है, डब्बे में से पानी नहीं पी रही है, इसकी आदत है, ये सिर्फ नल में से पानी पीती है। ये हमारी नई वाली बकरी है, और